कुछ वर्ष पूर्व श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने रामायण से जुड़े 50 स्थल खोजे। इन जगहों का जिक्र रामायण में भी मिलता है। इन्हीं में से एक है श्रीलंका के रैगला के जंगल, जिसके बीच एक विशालकाय पहाड़ मौजूद है। दावा किया जाता है कि यहाँ रावण का गुफा है, जहाँ उसने तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहां जंगली और खूंखार जानवर मौजूद होते हैं। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। रावण के शव पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों वर्षों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को वैसे ही छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि रावण की मौत क्षमिक है और वह फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को ममी बना दिया। रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी, जिसे हनुमान जी ने नष्ट कर दिया था। साथ ही यह भी बताया गया कि रावण का पुष्पक विमान उतरता था।